રામકોચ મહારાજશ્રી કે ચરણ કમલોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સ્વીકાર. પ્રભુ એક પ્રશ્ન હૈ કે બહોત દિનો સે મન મેં એક પ્રશ્ન હૈ કે જબ ભી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કા જિક્ર કિયા જાતા હૈ તબ 12મે ઓર 15મે અધ્યાયો કી વિશેષ રૂપ સે ચર્ચા કી જાતી હૈ. બચ્ચોં કો पढ़ाने के समय इन्हीं अध्यायों पर अधिक ध्यान दिया जाता है. इन अध्यायों का श्री गीता जी में क्या विशेष महत्व है समझाने की कृपा. जैसे अपनी बेटी का ब्याह कहीं करना हो तो उसके वैभव, उसके ऐश्वर्य, उसके प्रेम और प्रेम के लिए त्याग, त्याग के पश्चात दोनों एक हो जाते हैं विवाह. ऐसे गीता के दसवें अध्याय में भगवान की विभूति का वर्णन है. अपनी वृत्ति रूप जो बेटी है उसका विवाह करना है भगवान के साथ, तो भगवान की क्या विभूति है ये दसवें अध्याय में पढ़ रहे हैं. और उनका क्या विराट स्वरूप है, राज्य कितना बड़ा है उनका, वह राज्य विशेष राज्य विभूति और विराट पद 11वें अध्याय में विराट पद, 12वें अध्याय में लड़के लड़की की प्रीति भी तो होनी चाहिए, और प्रीति का वर्णन है भक्ति. 13वें अध्याय में परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान, और 14वें अध्याय में उनके सिवाय जो कुछ सत्व राजस्थान में उनसे असंग होने की विधि, माँ बाप से भी ज्यादा आकर्षण जब दूल्हे की ओर हो जाए, और दूल्हे के लिए माँ बाप का भी परित्याग करने के लिए लड़की तैयार हो जाए, इसका वर्णन 14वें अध्याय में. और 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग माने भगवान के साथ मिला, ये नहीं कि लड़के लड़की लड़की लड़के मिले और आप चार हुई और दो दो मीठी बातें हुई और मिल गए. जैसे विवाह में पूरी जानकारी और त्याग की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवान के मिलन में भी विभूति का, ऐश्वर्य का, शील स्वभाव का. 12वें अध्याय में लड़की के शील स्वभाव का भी बड़ा विलक्षण वर्णन है. अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुणयो च, किसी से बाल विवाद झगड़ा न करे, सबके प्रति मिलनसार हो, दुखी को देख करके दया आवे, ये सब गुण लड़के में भी होने चाहिए. अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र करुणयो च. दसवें और 11वें अध्याय में तो लड़के के गुण का वर्णन है, और 12वें अध्याय में लड़की के गुण का वर्णन है, 13वें अध्याय में लड़के के स्वरूप का वर्णन है. वो सुंदर, वो मधुर, अनादिमत परम ब्रह्मा न सत्य नाम के चैतन्य,
14वें अध्याय में सत्य और रज का इनका वर्णन करके नान्य गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्यस्य परम वेत्ति मद्भावं सो दिगच्छति और माम च जो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समती चेतान ब्रह्म भूराय कर्तव्य गुणों के प्रति असंग और भगवान के प्रति भक्ति। 15वां अध्याय तो बड़ा विलक्षण है, उसमें तो जैसे सब कुछ एक ही अध्याय में वेद वेदांत का सार निचोड़ करके रख दिया गया हो, पंद्रहवें अध्याय में पहले ये वर्णन है ये संसार एक वृक्ष के समान है, अश्वत्थ अश्वत्थ माने वृक्ष, वृक्ष क्यों कहा गया संसार को, ये काटने से कट जाता है, उपरस्तु छेदने वृष्यते इति वृक्षा, जो काटने से मिटे उसका नाम वृक्ष होता है, सहज स्वभाव से कभी नहीं मिटेगा बना रहेगा, परंतु असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा दृढ़ असंग शस्त्र से इसका उच्छेद किया जा सकता है, माने संसार के आवागमन चक्र से बचा जा सकता है। तो 15वें अध्याय के पहले अंश में वैराग्य के लिए संसार का वर्णन हुआ, अश्वत्थ वृक्ष के समान है अथवा अश्वत्थ है, न शोपि स्थाता इति अश्वत्थः, जो कल तक भी न रहे, रोज रोज बदलता जा रहा है, क्षण क्षण बदलता जा रहा है, जैसे नदी का पानी बहता जाता है लेकिन देखने पर मालूम पड़ता है वही गंगा जी है, वर्षों बाद गंगा स्नान करने गए हमें तो वैसी की वैसी धारा दिखी, लेकिन वो पानी तो न जाने कहाँ चला गया। ऐसी दुनिया बह रही है, ये हमको बल्ब जैसे कल जलते दिख रहे थे वैसे आज भी दिख रहे हैं, और ये तो यूनिट पर यूनिट खाते जाते हैं और नई नई रोशनी निकलती है, ये नहीं कि जो कल रोशनी थी सोई है, तो दिए को जला दो मालूम पड़ेगा वही है घंटों तक, लेकिन वो तो बत्ती और तेल खा खा के नया नया आता जाता है। वैसे ये मनुष्य जो है शरीर है संसार है ये न शोपि स्थाता, कल तक नहीं रहेगा, बदलता है क्षण क्षण बदलता है, क्षणिक है, परिणामी है, दुखदायी है, अश्वत तिष्ठति, स्था धातु में सब मूल से रही है, संस्था प्रतिष्ठा आस्था, अश्वत तिष्ठति, घोड़ा जैसे खड़ा होता है तो तीन पग उसके धरती में लगे रहते हैं और एक पांव उठाकर विश्राम करता है, तो तीन पग धरती में है, जागृत स्थान स्वप्न स्थान सुषुप्त स्थान, ये तीन पांव प्रपंच में है और एक पांव तुरीय है दृश्य से ऊपर उठा हुआ है। ये
जगत बीज अव्याकृत से युक्त जो ब्रह्म है वो उत्त उद्भव ऊपर है, उदिति ब्रह्म नामा। माया शक्ति से युक्त अव्याकृत से युक्त ब्रह्म ऊपर जो है वो इसका मूल है और अधःशाखम और महत्तत्व अहम तत्व और पंचतन्मात्रा ये सब नीचे फैलती हुई शाखा है। एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे, उनको मूला अधःशाखम। ऐसा पेड़ आपने कभी देखा है जिसकी जड़ ऊपर हो और शाखा नीचे हो? हमने तो देखा है, देख रहे हैं आप सब लोगों का शरीर ऐसा ही है। इसकी जड़ है शिरोभाग में और हाथ नीचे लटक रहा है, पांव नीचे लटक रहा है, जो खाते पीते हैं वो सब नीचे चला जाता है। उल्टा पेड़ है, पेड़ खाता नीचे है और जाता ऊपर है। अपनी जड़ों से वो मिट्टी पानी खींचता है पृथ्वी में से और ऊपर को बढ़ता है, और मनुष्य खाता ऊपर है और बढ़ता नीचे को है। और ये अव्यय अर्थात रूप से नित्य है, ये चलता रहता है। उपस्थ नित्य होता है आत्मा और प्रवाह नित्य होता है प्रपंच। काटो तो निकल जाओ और नहीं काटो तो इससे फंसे रहो। हाँ, तो हमें पूरे 15 अध्याय की व्याख्या नहीं करनी है। महत्तत्व अहम तत्व पंचतन्मात्रा ये सब पंच महाभूत ये नीचे को लगते हुए हैं और इसमें पशु पक्षी मनुष्य आदि जोनियां होती हैं। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। कर्म के अनुसार ब्रह्मा मनुष्य लोक से ऊपर के स्वर्ग आदि लोक और नीचे के पाताल नरक आदि लोक ये सब कर्मानुबंधी है। माने जो पाप करेगा वो नीचे जाएगा और जो पुण्य करेगा वो ऊपर जाएगा। ये इस लोक की स्थिति है। श्रुति कहती है तद्जयिह रमणीय चरणाभ्यासोह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन ब्राह्मण योनिम्बा क्षत्रिय योनिम्बा वैश्य योनिम्बा। जो इस जीवन में रमणीय उत्तम कार्य करते हैं वो ऊपर जाते हैं, उत्तम योनि प्राप्त होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और जो बुरे काम करते हैं इस दुनिया में वो नीचे जाते हैं। तद जयिह कपूय चरणाभ्यासोह यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन स्वजोनिम्बा सुकर योनिम्बा। वो कुत्ता होते हैं, सुअर होते हैं। ये कर्म के अनुसार आत्मा एक होने पर भी अनात्मा के साथ संसर्ग के कारण और उसमें सत्यत्व की भ्रांति होने के कारण कर्म के अनुसार नीचे ऊपर जाते हैं। अस्य इह विचार काले तथा रूपम न उपलभ्यते। यदि हम विचार करके देखें तो जैसा ये दिखता है वैसा नहीं है। दिखता तो है पर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आकाश धूमिल दिखता है परंतु धुआं आकाश को छूता नहीं है।
आकाश नीला दिखता है परंतु नीलिमा आकाश को छूती नहीं है। दृश्यमानापि धूमेन नाकाशस्यास्ति संगति। ऐसे विचार करके देखें तो जैसा दिखता है वैसा नहीं, अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में भासमान होने पर भी अपने अभाव के अधिकरण में भास रहा है, इसलिए यथार्थ नहीं है। और इसका आदि ढूंढने पर न काल में कहीं मिलेगी, उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और न तो दिग तत्व में दिशा में कहीं मिलेगी और न तो कहीं इसकी संप्रतिष्ठा स्थिति मिलेगी। फिर भी अज्ञान के कारण इसकी जड़ बहुत मजबूत हो गई है। हम न तो इसके अधिकरण को अधिष्ठान को जिसमें ये है न तो उसको पहचानते हैं और न तो जिससे दिखता है उस अपने आप को पहचानते हैं और न तो अधिष्ठान और आत्मा की एकता को पहचानते हैं। इसलिए इसकी जड़ बहुत मजबूत हो गई है न पहचानने के कारण। इससे छूटने का उपाय क्या है? असंग शस्त्र, कहीं संजल न हो। संजलम संगा संज अविश्वंगे, कहीं अपने मन का लगाव दुनिया में न हो, धन के साथ न हो, भवन के साथ न हो और वन गमन के साथ भी न हो। कहीं भी अपना लगाव किसी वस्तु के साथ न हो, आसक्ति न हो, चिपकना न हो। सटोगे तो हटना पड़ेगा, हटोगे तो सटना पड़ेगा। इसको इस ढंग से पटा कर दे चलना है कि कालिक की कोठरी में से गुजर जाए और अपने शरीर पर उसका रंग न लगे, रूई के गोदाम में से निकल जाए पर एक रेशा भी अपने को न छू जाए, तारकोल की सड़क पर से चल के जाए और उसकी कालिक अपने जीवन में न लगे। असंग शस्त्रेण, ये असंगता चाहिए दृढ़, दृढ़ माने पक्की, दिल में यकीन से काम नहीं चलता है। आज कुछ कल कुछ, आज यहाँ कल वहाँ, इससे काम नहीं चलता है। तो ये तो हो गया वैराग्य के लिए। संसार में गमनागमन है, नरक स्वर्ग आदि गति है, पशु पक्षी ब्रह्मा पर्यंत योनियां हैं। यदि इनमें सटे रहोगे तो आना जाना पड़ेगा। और अंत में बताया कि ये झूठा है। तब साधन क्या करना चाहिए? कन्यर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वयिर विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यय अवतर। भगवान की शरण में हो जाओ। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। जहाँ से ये सृष्टि निकलती है और जिसमें लीन होती है उस मायोपाधिक परम मायावी मायापति परमेश्वर की शरण आओ हम ग्रहण करें तो इससे छूटने का मार्ग मिल जाएगा। छूटने का मार्ग क्या है? तो हमारे जीवन में जो दोष है वे दूर हो जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वयिर विमुक्ता सुख दुख संगे
गच्छन्त्यमूढा पदमग्ते अस्तर। अमूढा जो मूढ़ नहीं है, मूढ़ माने अटक गया, जैसे माँ के पेट में बच्चा हो और वो अटक जाए और उसको बाहर निकलने का रास्ता न मिले, वैसे माया देवी के पेट में ये जीव अटक गया है, इसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। तो तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आओ जो इससे परे है मायापति भगवान है उसकी शरण ग्रहण करें, निकलने का रास्ता मिलेगा। वो रास्ता क्या है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अभिमान मत करो, किसी भी बात का मान मत लो। देखो जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ आदमी फंस जाता है, और जहाँ अपमान मिलता है वहाँ से नफरत करने लगता है, दुश्मनी करने लगता है। परंतु यदि परमात्मा के मार्ग में चलना है तो जहाँ अपमान मिलता हो वहाँ वैराग्य मिलता है, और जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ आसक्ति मिलती है। एक साधु दूसरे साधु को मोटर पर चलते देखता है तो उसके मन में आते हम भी मोटर पर चले, माला पहनते देखते हैं तो हम भी माला पहने, चंदन लगाते देखते हैं हम भी चंदन लगाएं, हम भी हवाई जहाज पर चले, ये हवाई जहाज पर चलते हैं तो हम भी हवाई जहाज पर चले। जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ आसक्ति होती है, और जहाँ अपमान मिलता है वहाँ से वैराग्य होता है। इसलिए निर्माण मोहा, अपने में तो अभिमान मत करो और दूसरे के प्रति, देह आदि अन्य के प्रति मोह मत करो। और यदि संग मिल जाए महाराज, बिगाड़ने वाली चीज संग है, अच्छे लोगों का संग मिलेगा तो तुम भी अच्छे हो जाओगे, और बुरे लोगों का संग मिलेगा तो तुम भी बुरे हो जाओगे। संगस्तु सर्वथा त्याज्य, सचेत त्यक्तुम न शक्यते, महद्विष्टा कर्तव्य संत संगस्य देशजम। आसक्ति तो किसी से करनी नहीं चाहिए, सर्वथा त्याग योग्य है, परंतु यदि आसक्ति का सर्वथा त्याग नहीं होता तो महान पुरुष के साथ, महापुरुष के साथ आसक्ति करनी चाहिए, क्योंकि संग रूप रोग की औषधि है महात्मा। महात्मा का संग करोगे तो संसार से आसक्ति छूट जाएगी। और अपने बारे में सोचो, तुम्हारा हाथ ये कैसे उठता है, पांव कैसे चलता है, आँख कैसे देखती है, जीभ कैसे बोलती है, वो आँखों के भीतर कौन झांक रहा है, वो जीभ के भीतर से कौन बोल रहा है, वो हाथ के भीतर से कौन उसको हिलाने की शक्ति दे रहा है, पांव के भीतर से कौन चलाने की शक्ति दे रहा है, वो जो स्रोत्र से स्रोत्र, कान का कान है, आंख का आंख है, मन का मन है, प्राण का प्राण है, वाणी का वाणी है, जरा उसकी ओर तो देखो। अध्यात्म ने किया, हमेशा उसके बारे में विचार किया करो बाबा, दिन भर न हो तो ब्राह्मण मुहूर्त से उठाय, प्रातः काल उठ के जब नारसा लोग सोते रहते हैं, संसारी लोग सोते हैं, और प्रातः काल, और परमार्थी पुरुष को जाग करके प्रातः काल परमार्थ का चिंतन करना चाहिए, परमार्थ वस्तु का विचार करना चाहिए, और मन में कोई दरिद्रता का भाव उठे। दरिद्रता का भाव क्या है? का हमारे पास ये चीज नहीं है, ये मिलनी चाहिए, इसको काम बोलते हैं।
अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा का नाम काम और प्राप्त की अधिक प्राप्ति की इच्छा का नाम लोभ है और उसके बिना रहा ही न जाए तो उसका नाम तृष्णा हो जाता है, प्यास हो जाता है। काम, लोभ और तृष्णा ये तीनों एक परिवार की वस्तु हैं। अब इसके बाद बताया कि परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे विवेक करना चाहिए। क्षर सर्वाणि भूतानि, ये जो पंचभूतों से बनी हुई सृष्टि है, प्राणियों का शरीर है, ये नाशवान है, क्षर है। ये जैसे नदी के किनारे की भूमि का क्षरण होता है, उसी प्रकार दिन रात इस शरीर का क्षरण हो रहा है, निकलता जा रहा है, कुछ न कुछ इसमें से बहता जा रहा है। आदित्यस्य गता गतई रहरह संक्षीयते जीविता व्यापारे बहुकार व्यवहार गुरु भी कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्चनोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। दुनिया पागल हो रही है, सूर्योदय सूर्यास्त होता है, एक दिन जीवन का कम हो गया। इतने काम अपने जीवन में जोड़ लिए हैं कि कब समय बीत गया इसका पता नहीं चलता। दुख आता है, दोष आता है, विपत्ति आती है, बुढ़ापे आते हैं और फिर भी मन में भय उत्पन्न नहीं होता है। क्या प्रमाद की शराब पी करके दुनिया पागल हो रही है, ये क्षण सृष्टि में नाशवान सृष्टि में फंसी हुई है। अक्षर है जीव अथवा अक्षर है परा प्रकृति अथवा अक्षर है क्षेत्रज्ञ, जिसको सातवें अध्याय में परा प्रकृति अक्षर को कहा है और तेरहवें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा है नारायण और पंद्रहवें अध्याय में इसको अक्षर कहा है। तो श्रीधर स्वामी ने प्रकृति व्याख्या की है और मधुसूदन सरस्वती ने नारायण जीव इसकी व्याख्या की है। तो इस क्षण और अक्षर दोनों से ऊपर पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम माने उत्तम पुरुष, अपने आत्मा का स्वरूप, जैसे बोलते हैं ना ये अन्य पुरुष है, प्रथम पुरुष है, कौन कस्सा स इंद्र व इंद्र है, अन्य पुरुष है, स राजीव देहली पुरुष है, दिल्ली का पुरुष है राजीव, और स्वाम मदार्थ कौन है, ये मध्यम पुरुष है सामने, और उत्तम पुरुष कौन है, अहम है। मैं तुम और वह, तो उत्तम पुरुष कौन है का जो वह और तुम दोनों को देखता है वो पुरुषोत्तम। यस्मात् क्षरमति नोहम अक्षरादपितोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तम। ये है उत्तम पुरुष नारायण। ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा को भी इंद्रिय और कर्मों के साथ जुड़कर लोक परलोक में आना जाना पड़ता है। मनस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति और जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, परंतु जब ये उस वस्तु को जान लेता है कि जो सूर्य का प्रकाशक है, चंद्रमा का प्रकाशक है, अग्नि का प्रकाशक है, जदा आदित्य गतं तेजो जगत वासयते किलं यत् चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत् तेजो विद्यमानं गामा विश्यत भूतानि
एक ऐसा तेज है जो सूर्य आंख में भी है और चंद्रमा मन में भी है और अग्नि जीव में भी है नारायण, और ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ये उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वो इनको प्रकाशित करता है। और नारायण वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों को प्रकाशित करता है। सर्वस्य चाहम हृदयम निविष्टो मत्तस्मृतिर ज्ञानमपोहनञ्च स्मृतिरत्र स्वप्ना अपोहनम सुषुप्ति। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति सबको प्रकाशित करता है, परंतु प्रकाशित किसी के द्वारा नहीं होता। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, उपनिषदों के द्वारा जब अज्ञान आवरण का ध्वस्त कर दिया जाता है, वो निरावरण होकर आत्मा के रूप में प्रकाशित होता है। ऐसा ये जो 15वां अध्याय है महाराज, वैराग्य का वर्णन, साधन का वर्णन, कर्म से आवागमन का वर्णन, जड़ तत्व का वर्णन, जीव तत्व का वर्णन, ईश्वर तत्व का वर्णन, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, संपूर्ण वेदों के द्वारा ही वेद्य है, संपूर्ण वेदों के द्वारा ही वेद्य है, और नारायण वेद्य ही है, और वो परमात्मा ही वेद्य है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेद विद हूँ नारायण। इसमें जस्तम वेद सवेद विद, अश्वत्थ वृक्ष को जो जानता है वो वेद विद है, और यहाँ कृष्ण कहते हैं वेद विदेव चाहम, मैं ही वेद विद हूँ, और आगे बोलते हैं स सर्वविद, जो वेदविद है वो मैं है, जो मैं है वो वेदविद है, जो वेदविद है वो सर्वविद है, सर्वज्ञ है, और सर्वभावेन भजति, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, उस सर्व रूप से उसका चलना फिरना हंसना खेलना बोलना खाना सोना जागना पीना सब परमात्मा रूप है, सब भाव से वो परमात्मा का अनुभव करता है। ये है पूज्यतम शास्त्र बहुत गुप्त, और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, जो इसको जान लेता है वही ज्ञानी है, और उसके लिए कोई भी कर्तव्य विशेष नहीं रहता है कि ये करे और ये न करे।